हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीदवार लगातार रिजल्ट को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगी, क्या UPNHM की तरह क्या KGMU की वैकेंसी की जो परिणामे हैं वो भी काफ़ी डीले होंगी, क्योंकि इस तरह के लगातार कमेंट देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में या पिछले समय में UPNHM डिपार्टमेंट द्वारा नर्सिंग वैकेंसियों को लेकर जो उनकी जो अपडेट देने की जो हालात थे वो काफ़ी बुरे थे, और जिसको लेकर उम्मीदवार ये चिंतित थे कि CBT ना कराकर उम्मीदवारों द्वारा यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम कराई गई है, तो क्या हो सकता है कि इसके भी पैटर्न को NHM डिपार्टमेंट द्वारा या जो एजेंसियाँ करा रही हैं वो एजेंसियाँ इस रिज़ल्ट में डिले करें। पर दोस्तों, ऐसा इस वैकेंसी में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जागरण जो उसकी बड़ी अपडेट है यहाँ पर जो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि उनके तरफ से दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बिगेस्ट गुड न्यूज़ निकल कर आप आ रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो आप सभी के यहाँ पर जो रिज़ल्ट है दोस्तों, जो रिज़ल्ट हैं वो आप सभी के बहुत ही जल्द यहाँ पर जारी होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी के रिज़ल्ट बहुत जल्द जारी होने वाले हैं, पर उससे पहले आप सभी की प्रोविजनल आंसर की जारी होने वाली है। तो फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है यहाँ पर जो है KGMU की तरफ से कि आप सभी के नर्सिंग ऑफिसर की जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब आएगी, और उसके कितने दिनों के बाद जो आप सभी की जो परिणामे हैं वो कब आने वाली है, क्योंकि कटअप को लेकर मैंने हर अपडेट आप सभी को दे चुके हैं। पर दोस्तों, कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इसके अंदर कुछ धांधलियां पाई गई थी, जिसको लेकर लगातार जो है न्यूज़ चैनल के द्वारा आर्टिकल आई थी, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, उससे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें स्पॉट पे ही यह प्रक्रिया करते हुए यहाँ पर जो है गिरफ्त कर लिया गया था। इसलिए इस वैकेंसी में उन उम्मीदवारों का इसमें कोई भी रोल नहीं है और भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इसकी प्रोविजनल आंसर की है और रिजल्ट कब आने वाली है। तो KGMU की नर्सिंग भर्ती की हर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर अपडेट आप सभी को सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट की जाती है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि दिसंबर 10 तक आप सभी के प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर जारी कर दी जाएंगी, और दिसंबर में यानी कि 22-23 दिसंबर तक जो है यानी कि 2023 के अंदर ही आप सभी को KGMU की जो परिणामे हैं दोस्तों वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, इस आर्टिकल में पूरे तरह से बताया गया है कि आप सभी की जो प्रोविजनल आंसर की है वो कब आने वाली है, और रिजल्ट की जो अनुमानता है वो सारी चीज़ अपडेट कर दी गई है दोस्तों। तो ये एक सबसे बड़ी अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया KGMU की, और जो भी अपडेट आएगी एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।